हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राखी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे एगलेस बटर स्कॉच केक, बटर स्कॉच क्रंच और केरेमल सिरप। इसकी पूरी रेसिपी देखने के बाद आप बिल्कुल मार्केट जैसी सॉफ्ट, टेस्टी और स्पंजी केक बहुत ही आसानी से घर पर बना सकती हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1/2 कप पाउडर शुगर, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप दही, 1/4 कप ऑयल, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 कप दूध और बटर स्कॉच एसेंस। मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है और इसमें ऑयल लगाया है। इसके साइड में भी ऑयल लगाएंगे और बटर पेपर सेट कर दिया है। फिर एक बार ऑयल वाला ब्रश घुमाया है, यह केक टिन रेडी है। आज हम इस केक को कढ़ाई में बेक करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में 1 कप नमक डालेंगे, इसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। सूखे चीज़ों को छानने के लिए एक बाउल और छन्नी लेंगे। इसमें मैदा, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक डालकर छान लेंगे। यह प्रोसेस करना जरूरी है, इससे केक काफी अच्छी बनती है। छानने के बाद सूखी चीजों को एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक दूसरा बाउल लेंगे, इसमें शुगर, ऑयल और थोड़ी सी दूध डालकर मिक्स करेंगे। फिर इसमें दही और बटर स्कॉच एसेंस डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। करीब 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद यह अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें मैदा मिक्सचर व दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। बैटर बनाते समय यह ध्यान दें कि बैटर गाढ़ा ना हो, इसमें लम्स ना रहें और इसे कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से मिक्स करें। हमने इसमें दही का यूज़ किया है। अगर दही में पानी की क्वांटिटी अधिक होगी तो दूध 1 से 2 चम्मच तक कम हो सकती है। आप चाहें तो इस केक को ओवन में भी बना सकती हैं। ओवन में बनाने के लिए इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करें। केक बैटर बनकर तैयार है। अब केक टिन लेंगे और इसमें बैटर को डालेंगे। बैटर डालने के बाद कंटेनर को टैप टैप करेंगे जिससे कि इसमें जो एयर बबल से वह निकल जाए। केक कंटेनर को पहले से प्री हीटेड कढ़ाई में रखेंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक फुल फ्लेम पर, फिर करीब 40 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक करेंगे। 40 मिनट हो चुकी है, आइए इसे चेक कर लेते हैं केक बेक हुई या नहीं। इसे चेक करने के लिए इसमें एक टूथपिक डालेंगे। यह क्लीन है, केक बेक हो चुकी है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक केक ठंडी हो रही है, हम बटर स्कॉच क्रंच बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप बादाम, 1/2 कप शुगर, 1 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर। पैन गर्म करके इसमें बादाम डालेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखते हुए इसे रोस्ट करेंगे। इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि यह जले नहीं और अच्छे से रोस्ट हो जाए। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद यह अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। बादाम को ठंडा करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मैंने इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। हमें इसे दरदरा ही रखना है। अब गर्म पैन में शुगर डालेंगे और फ्लेम को लो पर रखेंगे। शुगर जैसे ही गर्म होगी यह मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे क्योंकि शुगर बहुत जल्दी पैन की तली से चिपक कर जलने लगती है
और इसका कलर चेंज हो जाता है। करीब 2 मिनट के बाद शुगर मेल्ट हो गई है, अब इसमें बटर डालेंगे। बटर मेल्ट हो गई है, अब इसमें रोस्टेड बादाम के टुकड़ों को डालेंगे और मिक्स करेंगे। यह अच्छे से मिक्स हो गई है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे गर्म गर्म ही प्लेट पर फैला देंगे। मैंने एक प्लेट पर ऑयल लगाया है और क्रंच को प्लेट पर फैला दिया है। इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह रहने देंगे ताकि यह ठंडी होकर अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट के बाद यह सेट हो गई है, अब प्लेट को नीचे से हल्का सा प्रेस करेंगे। चिक्की बहुत ही आसानी से प्लेट से निकल आएगी। हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब एक पॉलिथीन बैग लेंगे, इसमें बटर स्कॉच चिक्की को डालेंगे और इसे फोल्ड करके इसे हल्का सा प्रेस करते हुए इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मैंने सारी चिक्की को दरदरा कर लिया है। बटर स्कॉच क्रंच बनकर तैयार है। बटर स्कॉच सॉस या केरेमेल सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप अमूल फ्रेश क्रीम, 1/2 कप शुगर और 2 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर। गर्म पैन में शुगर डालेंगे और फ्लेम को लो पर रखेंगे। शुगर को मेल्ट होते तक पकाएंगे और हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। इसे लगातार हिलाते रहेंगे, नहीं तो शुगर पैन की तली से चिपक कर जल जाएगी। कुछ ही मिनटों में शुगर गर्म होकर मेल्ट होना शुरू हो गई है। शुगर जैसे जैसे मेल्ट हो रही है, इसके दाने बड़े बड़े क्रिस्टल जैसे बन रहे हैं, पर हमें इसे छोड़ना नहीं है, लगातार हिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि शुगर मेल्ट हो गई है, अब इसमें बटर डालेंगे और इसे बहुत ही जल्दी अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर मेल्ट हो गई है, बटर मेल्ट होते ही हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे और मिक्स करेंगे। अगर शुगर थोड़ी जम जाती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे लगातार हिलाते रहें, यह क्रीम के साथ गर्म होकर मेल्ट हो जाएगी। हमें इसे 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है। सॉस की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की रखनी है, इसे थोड़ा पतला ही रखेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद भी यह थोड़ी जम जाती है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। सॉस ठंडी हो जाने पर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रख कर इसे 1 मंथ तक यूज कर सकती हैं। हमारी बटर स्कॉच सॉस या केरेमेल सॉस बनकर तैयार है। केक की आइसिंग के लिए मैंने ट्रोपोलाइट की 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम लिया है। इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। पहले इसकी स्पीड लो पर रखेंगे, पर जैसे जैसे क्रीम गाढ़ी होती जाएगी हम इसकी स्पीड भी बढ़ाते जाएंगे। जब तक क्रीम गाढ़ा होकर अपनी क्वांटिटी से डबल ना हो जाए तब तक हम इसे बीट करेंगे। क्रीम को बीट करते समय अगर बीटर गर्म हो जाती है तो आप बीच बीच में रुक कर बीट करें। व्हिप क्रीम बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं। क्रीम पहले से डबल हो चुकी है, इसे और बीट नहीं करेंगे। इसमें पीक भी बन रही है। क्रीम व्हिप हुई या नहीं इसे चेक करने के लिए आप बाउल को उठाकर पलट देंगे तो क्रीम नहीं टपकेगी। अब क्रीम में 1 टीस्पून बटर स्कॉच एसेंस व थोड़ी सी येलो फूड कलर डालेंगे और इसे फ्यू सेकंड्स के लिए बीट करेंगे ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। व्हिप क्रीम तैयार है। केक ठंडी हो चुकी है,
इसे निकाल लेंगे और इस पर लगी बटर पेपर हटा देंगे। केक को हम दो या तीन बराबर हिस्से में कट कर लेंगे। केक को थोड़ी सी कट करने के बाद इसमें थ्रेड सेट करके इसे बहुत ही आसानी से बराबर लेयर में कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे तीन बराबर लेयर में कट कर लिया है। अब केक बोर्ड लेंगे, इसमें थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और केक की फर्स्ट लेयर रखेंगे। इसके ऊपर शुगर सिरप को अच्छे से लगाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने हाफ कप पानी में हाफ टेबल स्पून शुगर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। सिरप लगाने के बाद इस पर क्रीम डालेंगे और अच्छे से बराबर फैलाएंगे। कैरेमल सॉस डालेंगे, फिर बटर स्कॉच क्रंच डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब इस पर केक की सेकेंड लेयर रखेंगे और पहले वाले प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। आप मेरी और भी रेसिपी देखने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अब केक की थर्ड लेयर रखेंगे, इस पर शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप लगाने से केक काफ़ी मॉइस्ट और सॉफ्ट हो जाती है। फिर क्रीम डालेंगे, केक के साइड में भी क्रीम को अच्छे से बराबर लगाकर प्लेन कर लेंगे। जिगजैग स्क्रैपर से केक के साइड पर डिजाइन बना लेंगे। अब कैरेमल सॉस को डालेंगे, इसकी टपकती हुई डिजाइन बनाने के लिए बीच बीच में थोड़ी अधिक सॉस डालें। ऐसा करने से केक काफी सुंदर लगता है। केक की डेकोरेशन के लिए मैंने पाइपिंग बैग में स्टार नोजल सेट कर लिया है और व्हिप क्रीम को भरकर केक के बॉर्डर पर डिजाइन बनाया है। इसके बॉटम बॉर्डर पर भी मैंने छोटे छोटे स्टार बनाया है। आप किसी भी नोजल से इस पर अपनी पसंद की डिजाइन बना सकती हैं। अब केक के सेंटर पर क्रंच डालेंगे। हमारी एगलेस बटर स्कॉच केक बनकर तैयार है। केक की आइसिंग करने के बाद इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में रखें, फिर इसे कट करें। आप देख सकती हैं कि इसमें लेयर काफ़ी अच्छी आई है। यह डिलीशियस दिख रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है यह आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।